सभी साथियों को जय भीम। जय। साथियों, मैं हरियाणा से हूँ, एडवोकेट हूँ और पिछले 7-8 सालों से हरियाणा में मनुवादी लोगों ने जो गरीब पिछड़े वंचित शोषित लोगों के खिलाफ अत्याचार का एक मुहिम चलाई हुई है, उसके खिलाफ हमारी पिछले 7-8 सालों से हरियाणा सरकार के साथ लड़ाई चल रही है। इतने निर्दयी लोग हैं, दलितों की बस्ती को घेर कर बस्ती जला दी जाती है, दलितों को जिंदा जला दिया जाता है। हर रोज अखबारों में टीवी में रिपोर्टिंग होती है, हरियाणा में एक दलित लड़की के साथ गैंगरेप होता है और गैंगरेप के बाद उसका मर्डर होता है, सामाजिक बहिष्कार होता है। तो साथियों, इस समय हम हरियाणा की बात करें चाहे हम सहारनपुर की बात करें, सहारनपुर में हमारे साथी भाई चंद्रशेखर के खिलाफ, शुरुआत में चंद्रशेखर से मैं मिला, जेल में भी जाके मिला, भाई यहाँ पर दीपेंद्र है, दीप बोध है, दीपक बोध है, हम सभी ने खुफिया तरीके से शबीरपुर में जाकर वहाँ के लोगों से बातचीत की। उसके बाद मेरे पास उत्तर प्रदेश पुलिस वालों के फ़ोन आए और मेरी फेसबुक पर जो मैंने पोस्टें डाली हुई थी, जो मैं शबीरपुर के गरीब लोगों से बात कर रहा था, मुझे फ़ोन करके बोला गया ये तुम माओवादी लोगों से बात कर रहे हो, माओवादी लोगों से बात कर रहे हो। सेम सेम जेल जेल। तो इस तरह के हालात हैं, करीबन 3 दर्जन केस चंद्रशेखर के ऊपर लगा दिए गए हैं, आप सभी को मालूम है। और जब सक्षम अदालत ने उसको जमानतें दे दी तो उनको लगा कि ये आदमी बाहर आकर हम लोगों के लिए, हमारे मनुवादी एजेंडे के लिए खतरा बनने वाला है, उसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की धाराएं लगा दी गई। और साथियों, यही सब कुछ मेरे साथ हरियाणा में हो रहा है। पिछले 6-7 सालों में मेरे ऊपर 1 दर्जन से ज़्यादा केस लगा दिए गए हैं, जिसमें सेडिशन से लेकर पुलिस वालों को पीटने की, उनकी वर्दी फाड़ने की, उनकी जिप्सी तोड़ने की, बड़े झूठे झूठे आरोपों में मेरे खिलाफ केस दर्ज कर दिए गए। और सबसे बड़ी बात, पुलिस वाले मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हैं कोई बात नहीं कि मैंने उनकी ड्यूटी में बाधा डाली। अभी हाल में पाटला में दबंगों द्वारा सरकार के संरक्षण में उनका सामाजिक बहिष्कार हो गया। सामाजिक बहिष्कार होने के बाद हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और हाईकोर्ट ने संज्ञान लेने के बाद 4 सेशन जजों की एक टीम गांव में भेजी। मैं उन लोगों के साथ सेशन जजेस की टीम को असिस्ट करने के लिए गांव में गया था। वहां मनुवादी लोग जो थे 300-400 की भीड़ में, उन लोगों ने दौड़ा दौड़ा कर मुझे पीटा और बड़ी मुश्किल से मैं वहां से बचकर भाग के आया। और इसके बावजूद मेरे खिलाफ 0.5 दर्जन मुकदमे और दर्ज कर दिए। और साथियों, मुझे 1.5 महीना अंडरग्राउंड रहना पड़ा, तब मेरी जाकर वहां से जमानतें हुई। और सबसे हैरानी की बात यह है कि जिस दलित को दबंगों ने पीटा था, उस दलित का मैं वकील था। पुलिस ने क्या किया, उस विक्टिम दलित को पीट पीट कर ये लिखवा लिया कि हमें दबंगों ने नहीं पीटा, हमें तो रजत कलसन ने पीटा था। आप लगाइए अंदाजा किस तरह का एजेंडा वहां पे चल रहा है। चाहे हम सहारनपुर की बात करें, चाहे हम हरियाणा की बात करें। तो साथियों, हम लोगों ने प्रदीप के साथ मिलकर, दिनेश खापड़ मेरा भाई जो भीम आर्मी का प्रभारी है, भाई नकुल है और मेरे सभी साथी जो हैं, हमने इस बारे में कि आज यूपी भवन में प्रदर्शन है, हम शांतिप्रिय तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखेंगे, यूपी भवन के रेजिडेंट कमिश्नर को अपना मेमोरेंडम सौंपेंगे। लेकिन बड़ी शर्म की बात है कि यहाँ पर हमारे समाज के लोग दिखाई नहीं दे रहे। अगर हमारे समाज के लोग यहाँ पर होते तो इन गुंडों की हिम्मत थी ये हमारे ऊपर हमला करते नहीं। तो नहीं। हमें इस बारे में हरियाणा के जाटों से कुछ सीखना चाहिए। वहां पर जाटों ने कत्लेआम किया, वहां पर इन लोगों ने सारे हरियाणा को जला दिया,
वहां पर इन लोगों ने पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान किया और उनके खिलाफ कत्ल के केस दर्ज हुए, लूटपाट के केस दर्ज हुए और हरियाणा सरकार ने उन सभी के खिलाफ सारे केसेस वापस ले लिए, उनको मुआवजा तक दिया और सबसे शर्म की बात है उनको नौकरियां भी दे दी। वो लोग कामयाब इसलिए थे, इसलिए हैं कि वो लोग एक हैं, हम लोग एक नहीं है। यहाँ पर जो हजारों की संख्या नजर आनी चाहिए थी वो नहीं आ रही है, इसलिए इन गुंडों की हिम्मत है कि हमारे गिरेबान पे इन्होंने हाथ डाला। भाई प्रदीप की इन्होंने शर्ट फाड़ दी, भाई खालिद के इन्होंने दाढ़ी पे दाढ़ी पकड़ के किसी अपमान किया। क्या इनकी इतनी हिम्मत है कि किसी मनुवादी के साथ ऐसा सलूक करें? तो मैं आप सभी को यहाँ पर आने पर आह्वान करता हूँ कि जब तक हमारे साथी लोग यहाँ पर हैं, यहाँ पर डटे रहे और हम जो अपना ज्ञापन है, मेमोरेंडम है, वो देकर अपना काम पूरा करके फिर यहाँ से जाएंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।